हेलो स्टूडेंट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। मैं राजकुमार दुबंसी आपकी शून्य से शिखर तक मैथमेटिक्स के साथ। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, आप एकदम जीरो हैं, एकदम लड्डू हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दिमाग दिया भगवान ने आपको। आपको मैथ जरूर आएगी, आप रेगुलर देखें शून्य से शिखर वाला जो सीरीज है, सभी वीडियो देखें जिसमें लगभग 300 से अधिक वीडियो होंगे, 500 के लगभग होंगे, आपको मैथ पक्का आएगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन का जोड़ना, और उसके पिछली में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, तरबूज कोहड़ा का उदाहरण दे के बताया था, आपने देखा था। आज हम घटाना सीखेंगे। भिन्न दो प्रकार की ये जो भी होती हैं, मुख्य रूप से हर बराबर ना बराबर वाली, इनको हमने आपको सिखाया है। इनको घटाएंगे कैसे, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही सेम टू सेम घटाने वाली प्रक्रिया होती है, बस थोड़ा सा आपकी फीलिंग अलग हो जाती है बस। तो जो नीचे नंबर इक्वल है उसको एक बार लिख लेते हैं, ऊपर जो अंश में है उसको वैसे लिख के चिन्ह वही लगाते हैं, नंबर लिखते हैं, घटाते हैं जो बचपन में पढ़े हैं, उत्तर आ जाता है। लेकिन ये तो बच्चों वाला खेल है, अब आप जिस अवस्था में पहुँचे हो उससे भी आपको निपटना होता है। ये इन तरह के सवालों को करने का बहुत आसान तरीका है, नीचे जो नंबर है बड़ी सी लाइन खींच के उसको नीचे लिखते हैं, दो बार लिखा था एक ही बार कर देते हैं, अगर बराबर होता है तब। ऊपर जो नंबर है 8 उसको ऐसे लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 है तो ये 3 ऐसे लिखेंगे, सबट्रैक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो तरीका है बहुत आसान वाला, छोटा सवाल, लेकिन मुसीबतें आपकी तब बढ़ जाती हैं, सांसें थोड़ा थोड़ा तेज तब हो जाती हैं जब इनमें थोड़ा अंतर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे हैं, आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें कुछ तो बच्चों के मम्मी पापा भी हो जाते हैं, तब भी उनको मुसीबत होती है। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए, अब इसमें अगर हर ये बराबर ना हो तब हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये मुख्य सवाल है ना। इसमें दो तरीका होता है, पहला एक होता है एलसीएम लेकर के हल करना, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीपल तिरछा गुणा करना, ये वाला। तो भैया अगर गिनती छोटी छोटी हैं तो आप तिरछा गुणा आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ी बड़ी हैं तो एलसीएम लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें गुणा उड़ा करके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तिरछा गुणा वाला कर लो, 3 का 3 में गुणा कर लो, 9 आएगा, माइनस 7 का 2 में कर लो, कितना आएगा, 14 आएगा। लेकिन आप यहाँ पर बहुत कुछ समझ रहे होंगे ये कि ऐसा काहे हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो भिन्न है ना भैया, पहले वाली ये छोटी भिन्न है या बड़ी भिन्न है, इसलिए इसका उत्तर माइनस में आएगा। तो मैं क्यों ना करूं इसको सीधा कर दूं, नहीं तो पहले पहले अभी आप सीख रहे हो है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2/3, 3/7 उसको कर लो, हाँ 2/3, 3/7 ये लो, अब सही है। तिरछा गुणा करो, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, माइनस 3 तिरका ये 9, बात समझ में आई। 7 का गुणा 2 में 3 का 3 में तिरछा गुणा बोलते हैं, फिर इसमें कर लो 3 का 7 में 21, घटा लो 14 में से 9 गया, 9 5 14 होता है, आपका ये कितना मिल जाएगा, 5/21। ये होता है तिरछा गुणा वाला तरीका। इसमें एक एलसीएम वाला मेथड होता है, वो भी देख लो, बहुत ही ध्यान से देख लो प्यार से, एलसीएम में कैसे करते हैं। देखिए एलसीएम वाले मेथड में साथियों हम लोग ये काम करते हैं ना, नीचे दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। देखो मैं हल कर रहा हूँ इसी सवाल को एलसीएम मेथड से, तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना नहीं आता तो कमेंट करके बताना एलसीएम 21 आएगा, ऐसा नहीं कि गुणा कर लिया था 21 हो गया, मतलब सबका एलसीएम गुणा करने पे आता है। गुणा करके एलसीएम तब आता है जब दोनों संख्याएं अभाज्य हों, वो आपस में किसी भी तरह से संबंधित ना हो, तब गुणा करके आ जाता है, 21 हो गया ना। अब जो एलसीएम आया है उस एलसीएम में पहली भिन्न का हर पकड़ते हैं, मतलब 3, उसी से भाग कर देते हैं। तो 3 × 7 कितना आएगा, 21। भाग करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, मतलब मुख्य रूप से भागफल प्राप्त होता है, उसको पकड़ करके क्या करते हैं, इसके साथ इसका शादी करवा देते हैं, है ना, मतलब गुणा करवा देते हैं। तो 7 × 2 कितना हो गया, 14, बात समझ में आई, 7 × 2 = 14। अब बीच में माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिया, वही प्रक्रिया अगले में भी करेंगे। अगले में क्या करेंगे, 7 का आप भाग करोगे 21 में तो 3 आएगा, 7 × 3 = 21, और 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 आएगा। आप कह रहे होगे यहाँ जो आया था ससुरा वही थे हूँ आ रहा, फिर काहे लिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि दोनों का तरीका अलग अलग मैं बता रहा हूँ ना, आएगा वही उत्तर वही आएगा। मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है सही तरीके से कर रहे हो, चाहे 18 तरीके से करो, उत्तर वही आएगा। जैसे अगर आपका फ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, या फिर किसी का घर है कहीं एक जगह, और जाने के रास्ते कई हैं, आप किसी कारणवश दूसरे रास्ते से जा रहे हो, पहुंचोगे तो वहीं ना, अलग तो नहीं कि दूसरे किसी के यहाँ पहुंच जाओगे,
बात समझ रहे हो ना, तो बस वैसे इसमें है, उत्तर वही आएगा, सिर्फ धर्रे अलग अलग हो जाएंगे, तरीके अलग हो जाएंगे, रास्ते अलग हो जाएंगे, बस इसमें घटाओगे तो क्या आएगा, वही जो वहाँ आया था 5/21। तो ये दोनों मेथड में से कौन सा मेथड बेस्ट लगा कमेंट करके बताना, इसके लिए अगर ये सही है तो क्यू लिखना, अगर ये आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो पी लिखना, पी या क्यू में से दोनों में से कुछ ना कुछ लिख करके कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो भैया ये तो वो सवाल थे जो बचपन में आप सीख चुके थे जब आप बहुत छोटे थे, और अगर आप गांव से बिलोंग करते थे तब आप मिट्टी में ही बैठ के पढ़ाई करते थे, है ना। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो भी इसे देख रहे हैं वो उसी अवस्था वाले हैं, बाकी आजकल वाले तो स्टूडेंट काफ़ी स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट ही पैदा होते हैं, है ना। चलिए अब क्या देखेंगे, अब इसमें हमें ये देखना है कि जब 3/7 - 2/4 - 1/3 तीन पद वाली भिन्न दिया हो तब क्या करेंगे, तब भी वही मुसीबत आएगी, वैसे इसमें भी करेंगे चलो। लेकिन हाँ एक बात ये है, इसमें तिरछा गुणा करोगे तो आपके लिए दिमाग और चढ़ जाएगा, आपका खिचड़ी बन जाएगा, इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, फिर इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, फिर उसी में कन्फ्यूज हो जाओगे कि इसका किसमें करा, है ना। तो तिरछा गुणा नहीं करेंगे इसमें, एलसीएम करेंगे, ओनली एलसीएम, 7, 4 और 3 का एलसीएम करो। देखो ये एक दूसरे से किसी प्रकार के संबंधित नहीं है, तो ये भैया चाहती हैं 12 × 84, इनका एलसीएम कितना आएगा, 84 आएगा, कितना आएगा 84। अब एलसीएम में पहली भिन्न के हर से भाग करेंगे, जो नीचे गिनती होती है इसको हर बोलते हैं, वो बैल से खेत जोतने वाला हर नहीं, हर और अंश भिन्न में होता है, जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो 7 से भाग करोगे 84 में, आप जानते हो 12 × 7 = 84 होता है, तो 12 से मल्टीपल करोगे 3 में, तो 12 × 3 = कितना होता है 36, जिसे देसी भाषा में 12 × 3 = 36 बोलते हैं, है ना। हाँ तो 7 से भाग किया 12 आया, 12 × 3 = 36 हो गया, जो चिन्ह लगा था उसको ऐसे लगा दो प्यार से, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया अगले में भी करोगे। 84 में 4 से डिवाइड करो, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 21 आएगा, 21 का मल्टीपल 2 में करोगे तो आप पाओगे 42। ओके अब क्या होगा, आगे बढ़ते चलेंगे, 3 से भाग करो किसमें 84 में, 3 से 84 में भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होगी जो इनका दोनों का गुणा करने पर प्राप्त होगी, बस ऐसे समझ लो। 7 से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होगी जो 4 3 का गुणा करने पर प्राप्त होगी, 4 से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होगी जो 7 और 3 का गुणा करने पर प्राप्त होगी, हल में एलसीएम में ही होता है, ठीक। तो भैया 7 × 4 = 28, 3 से भाग कर लो इसमें तब भी 28 आएगा, 3 × 2 = 6 और कितना हो जाएगा 3 × 7 मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ठीक ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं, हाँ वो क्या है, इसको हमने आपको बता दिया, ये हो गया इतना है 2 तक। तीसरे पे बात करते हैं, 3 से भाग करोगे भैया इसमें तो कितना आएगा, भाग करके देख लो, 3 × 2 = 6 नहीं जाएगा क्या यार, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24 ना, 28 आएगा, 28 का 1 में मल्टीपल करोगे तब भी 28 आएगा संयोग, बस बस हल कर लो, हो गया आंसर, इतना ही तो था। अब इनको हल करना बड़ी मुसीबत है, देखो ये प्लस में है, ऐसा मत करना कि इनको कुछ गड़बड़ कर दो, ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे, तरीका समझ लो, तो ये 36 माइनस इन दोनों को जोड़ दो, आप जोड़ोगे 8 × 2 = 10, हासिल का आया 1 × 1 और ये 4 × 2 = 6 और 1 हो जाएगा 7, बटा ये हो जाएगा 84, इसको घटा लो भैया जो भी आएगा आप घटा करके लिख लो, कहोगे 36 से 70 कैसे घटाएं, लेकिन मैथ में सब कुछ संभव है, तो ये माइनस में आ जाएगा, उल्टा करके घटा लो इसको लटका के, ठीक है। अगर ये 35 होता, अगर ये 35 होता तो 70 से 35 घटाते तो 35 आता, लेकिन अफसोस की बात ये 36 है तो ये कम हो जाएगा, मतलब ये 34 / कितना आएगा 84 आएगा, और वो भी माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है। हाँ इसको सिंप्लीफाई कर लो जो भी करना है, क्यों सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि भैया देखो ये सब सम संख्याएं लग रही हैं आपस में ना, 2 से कटेंगे ये, ऊपर 17 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 42 आएगा, हाँ माइनस का 17 / ये हो जाएगा 42, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, चूँकि ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में, सम भिन्न हो गई, नीचे का अंश जो है हर जो है बड़ा हो गया, ऊपर का जो गिनती हो छोटी हो गई, यही हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो,
मैथ बहुत आसान है, लेकिन आपको इसे फ्रेंडली बनाना होगा, इससे आपको दोस्ती करना होगा, मित्रता करनी होगी, इससे आपको प्यार करना होगा। अगर आप इतना कर लोगे तो मैथ आप सीख जाओगे, पक्का सीख जाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी क्लास देखें, 10 मिनट नहीं, आप एक घंटा पढ़ना चाहते हो, जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो आप आज ही PVR स्टडी का प्रीमियम क्लास ज्वाइन करिए, जिसके लिए आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन प्रीमियम लिख करके मैसेज कर देना है, और आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी आपके लिए वर्क करती है वो भी कुछ खाना पानी खाती पीती है भैया, तो कुछ खर्चा लगता है बहुत सारा, तो ये मैनेज करना पड़ता है। तो हम भी जिए, आप भी जिए, इसके लिए आप कुछ सहयोग करें और समझें और ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको पैसा काहे दें, यूट्यूब पे सब फ्री पढ़ाते हैं, तो फिर ऐसे यूट्यूब पे खोजते रहोगे, आज इधर वीडियो देखा, कल उधर देखा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। कोई भी जीरो लेवल मैथ को कंप्लीट नहीं करवाता है, कुछ भी एक दो वीडियो कोई डाल दिया तो डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारा मैसेज भी किया था, मैं वहाँ देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। आपसे निवेदन है, आप स्वतंत्र हैं, आपका मोबाइल है, आपका इंटरनेट है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही हैं, आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है, आपको कुछ बनना है, जल्दी से जल्दी बनना है, भारत देश को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है, इन गंदी राजनीति से ऊपर उठाना है, तो आपको सीखना होगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद। अगर इस क्लास में कोई गलती है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप खूब शेयर करेंगे तो हमारी कोशिश होगी ये प्रीमियम क्लास बिल्कुल फ्री कर देंगे, लेकिन आप खूब शेयर करें कि वीडियो को लाखों लोग देखें कम से कम 24 घंटे के अंदर। लेकिन आप शेयर करोगे तब ना यार, सब कुछ संभव है। आप सिर्फ 5 लोगों को भेजो, उनसे बोलो वो 5 लोग को भेजें, वो 5 लोग को भेजें, ऐसे कड़ी बनती जाएगी, एक दिन हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन आप लोग ट्राई तो करिए ना।